अस्सलाम वालेकुम, एक बार फिर आपको इलेक्ट्रॉनिक हाउस के यूट्यूब चैनल पर शामदीद कहते हैं और उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। और आज हम एक रिव्यू लेके आए हैं माइक्रोवेव का, जो कि पेल कंपनी की तरफ से आता है। 30 लीटर्स में जो है इसकी कैपेसिटी है। मॉडल की बात करें तो PMO30BG जो है इसका मॉडल नंबर है। तो बॉक्स की बात करने से पहले बात बताता चलूँ कि इस वीडियो को भी पॉसिबल बनाया है सदीक इलेक्ट्रॉनिक्स ने। अगर आप इसकी कीमत मालूम करना चाहते हैं या तो खरीदना चाहते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में सबसे टॉप पे आपको जो इनका नंबर मिल जाएगा, आप रब्ता कर सकते हैं। रावलपिंडी और इस्लामाबाद में प्रोवाइड किया जाएगा। तो वीडियो की तरफ आते हैं। बॉक्स में सबसे टॉप पे आपको जो है लामा पेल की ब्रांडिंग मिल जाती है। चेंज योर लाइफ, मतलब कि पेल के साथ अपनी लाइफ चेंज करते हैं, बारकोड स्कैनर मिल जाती है, जिसके ऊपर इसके ऊपर एक स्टिकर मिल जाता है, जिसके ऊपर इसकी जो है इन्फॉर्मेशन देखने को मिल जाती है। मॉडल वाइज आपको जो है डायग्राम मिल जाती है, जो कि इसके अंदर से जो है माइक्रोवेव निकलेगा, हॉट हाई माइक्रोवेव ओवन, जिस कुछ जो आपको फीचर्स वगैरह देखने को मिल जाते हैं, जिसके अंदर जो है एक्सपेक्स कुकिंग, मतलब कुकिंग को जो भी आप इसके ज़रिए कुकिंग कर सकते हैं। मल्टीपल पावर्स लेवल है इसके अंदर, ग्रिल फंक्शन मौजूद है, यूनिफॉर्म हीटर इसके अंदर जो है लगा हुआ है, डिजिटल ऑपरेशनल है, मतलब कि डिजिटल आप इसको ऑपरेट कर सकते हैं, क्लॉक फंक्शन है, क्लॉक फंक्शन इसके अंदर मौजूद है। तो अगर इस साइड पे बात करें तो इस साइड पे आपको जो है माइक्रोवेव ओवन लिखा हुआ देखने को मिल जाता है। दरमियान में आपको जो है इसकी डायग्राम मिल जाती है और एक प्लेट में आपको जो है मज़ेदार सी चीज़ें देखने को मिल रही होंगी। पेल की ब्रांडिंग मिल जाती है, पेल लाहौर, अब स्टिकर लगा हुआ मैं क्या कह सकता हूँ, लाहौर का लाहौर है। इस साइड पे आपको वही चीज़ें देखने को मिल जाती हैं जो कि इसकी बैक साइड पे थी। इस साइड पे अगर बात करें तो आपको जो है सबसे टॉप पे इस साइड पे मॉडल लिखा हुआ देखने को मिल जाता है, PMO30BG। कलर सिल्वर कलर है, कैपेसिटी जो है 30 लीटर्स है। यहाँ पर आपको एक स्टिकर मिल जाता है जिसके ऊपर इसकी इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है, जिसके अंदर आपको इसका मॉडल नंबर, ग्रोम डिजिटल वगैरह जो है इसका सीरीज़। नीचे आपको जो है माइक्रोवेव ओवन की तस्वीर मिल जाती है, वही चीज़ें जो उसकी बैक साइड पे थी। ऊपर कुछ इतना खास नहीं है। तो अब इसको जो है हम अनबॉक्स करते हैं। अनबॉक्सिंग से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, जो हमारे यूट्यूब चैनल पे नए आए हैं या तो जिन्होंने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि आपको आने वाली न्यू वीडियो की अपडेट मिल जाए। तो अनबॉक्सिंग स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अनबॉक्सिंग एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहता है और इसकी भी जो है पैकिंग काफ़ी आउट क्लास है। तो अब इसको निकाल के फिर आपसे मिलते हैं। माइक्रोवेव जो है हमारा निकल आया, और बड़े माइक्रोवेव को निकालने का काफ़ी ज़्यादा इशू होता है। तो इसकी जो अनरैप स्टार्ट है, अनरैपिंग करते हैं। ये रहा हमारे पास पेल का 30 लीटर माइक्रोवेव ओवन, जो कि ग्रिल फंक्शन के साथ आता है। तो सबसे पहले इसकी जो है बॉडी की बात कर लेते हैं। इस साइड पर अगर बात करें तो इस साइड पर बिल्कुल प्लेन बॉडी है। बैक साइड पर अगर देखें तो बैक साइड पर आपको जो काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देखने को मिल जाती है। स्विच जो है इसका 2-पिन यूनिवर्सल स्विच है, ये बिल्कुल फिक्स हुआ है, तो इसको हम नहीं छेड़ेंगे, वापस लगा देते हैं। स्टिकर मिल जाता है जिसके ऊपर इसकी इन्फॉर्मेशन, मॉडल की इन्फॉर्मेशन, कुछ वार्निंग मिल जाती है, कुछ वोल्टेज की इन्फॉर्मेशन देखने को मिल जाती है। एक स्टिकर मिल जाता है जिसके ऊपर इसका मॉडल नंबर और कुछ इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। क्वालिटी पास ओके का स्टिकर मिल जाता है। इस साइड पर आपको एग्जास्ट मिल जाता है, मतलब कि एयर वेंटिलेशन के लिए जो है कुछ मिल जाती हैं। और ऊपर वाली साइड पे अगर आपको मैं दिखा दूँ, ऊपर वाली साइड पे भी आपको जो एग्जास्ट मिल जाते हैं, मतलब कि एयर वेंटिलेशन के लिए वार्निंग आपको मिल जाती है, इस कवर को रिमूव नहीं करना। दोबारा हम लगा देते हैं। तो अब सामने वाली साइड पे बात करते हैं, तो मैं करीब ही ले आता हूँ। इस साइड पे आपको जो है ये आपको जो पैनल मिल जाता है, जिसके मतलब कि क्लॉक वाइज जो था आपको बताया गया है, पावर्स लेवल, टच है ये सब, पावर्स लेवल, वेट, मेमोरी, एक्सप्रेस, ग्रिल, तमाम चीज़ें आपको जो है ये मिल जाती हैं। आप देख सकते हैं स्टार्ट, कैंसिल, ये आपको तमाम कंट्रोल मिल जाते हैं यहाँ पर, आप देख सकते हैं। और इस साइड पे आपको जो एक स्टिकर मिल जाता है जिसके ऊपर हॉट हाई लिखा हुआ है, और उसके कुछ मेन फंक्शन वगैरह मिल जाते हैं, जिसके अंदर इसके चाइल्ड लॉक में मौजूद है, 2 ईयर्स की जो है वारंटी मिल जाती है, और इडली डिफ्रोस्टी, मतलब अगर आप इसके अंदर मतलब कि फ्रोज़न वाली भी चीज़ रखेंगे तो ये जल्दी से जल्दी इसको जो है डिफ्रोस्ट करेगा। ये बटन है जिसके ज़रिए ये खुलेगा, ये ओपन हो गया, ठीक है। इसके अंदर खोलते साथ ही आप देख सकते हैं कि आपको पेपर वर्क मिल जाता है,
जिसके अंदर ये आप देख सकते हैं ये पेपर वर्क है, गाइड मैनुअल है सबसे पहले, और इसके बाद आपको जो इसका वारंटी कार्ड मिल जाता है जिसके ऊपर इसकी इंफॉर्मेशन मॉडल वगैरह भी लिखा हुआ देखने को मिल जाएगा। और इसके साथ आपको जो है एक ग्रिल मिल जाती है काफ़ी सेफ्टी के साथ, ये चेक कर सकते हैं काफ़ी सेफ्टी के साथ आपको जो है ग्रिल ग्लास, और इसके नीचे वाली साइड पे आपको जो है ये एक जो है रोलर मिल जाता है जिसकी मदद से आपका ग्लास जो है मूव होता है। इसके अंदर वाली साइड आपको चेक कराते हैं, इसके अंदर ये इसके ऊपर जो है ग्लास आ जाता है फिर वो मूव हो जाता है, और ये ग्रिल वाला सिस्टम होता है जिसके ज़रिए आपकी ग्रिल रोस्ट वगैरह होती हैं, ये ग्रिल अलहदा से लगी होती है जिसके ज़रिए आपकी कुकिंग होती है। यहाँ पर आपको अगर गर्म करते हैं तो ये इस ज़रिए जो है शुआएँ फेंकता है, और वो सामने होल्स देख सकते हैं। तो चीज़ें हम दोबारा से वापस अंदर रखते हैं, और इन्होंने चीज़ें इस तरह से पैक की होती हैं कि अल्लाह ना करे अगर ये ओवन पैन गिरता है तो वो सेफ रहती हैं चीज़ें, ये उसी तरह वापस अंदर चलेगी। अगर तो आप इसकी प्राइस मालूम करना चाहते हैं या तो ख़रीदना चाहते हैं, रावलपिंडी इस्लामाबाद सीबिया टाउन BWD बैरिया टाउन Phase 1 से लेके Phase 7 तक अगर आप ख़रीदना चाहते हैं इस्लामाबाद में, तो प्राइस मालूम कर सकते हैं नीचे कमेंट्स में, सबसे टॉप पे आपको नंबर मिल जाएगा सदीक इलेक्ट्रॉनिक्स का, तो आप उनसे जो है रब्ता करते हैं, बहुत ही रीज़नेबल प्राइस में जो है आपको ये ओवन मिल जाएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा ताकि आपको आने वाली न्यू वीडियो की अपडेट मिल जाए। अल्लाह हाफिज़, फिर मिलेंगे किसी और वीडियो के साथ, अपना और अपने पैरों का ख्याल रखिएगा, फ़ी मानिल्लाह।